अजाब गजाब घर जमाई। लाइट बंद है, शांत है, सारे दरो दीवार और खंबे। भाई पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने की सजा तो नहीं दे रही दम्बे? क्या पिक्चर थी ना। हाँ जी, जब एक दिन आप बड़े पर्दे पर आओगे ना, तो मैं इस फिल्म से ज्यादा सीटियाँ बजाऊंगी। अरे केवल सीटी क्या लॉली जी, आप तो हमारे साथ रेड कारपेट पे चलेंगी साथ में। सच्ची भाँ जी, रेड कारपेट और लॉली, रेड कारपेट और लॉली, वाह 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 भाँ जी। सच में जिंदू, फिल्म देख के ना मजा आ गया। क्या ड्रामा था, इतना फूट फूट के रो रही थी ना। मजा आ गया ना, आपको मजा आना चाहिए, मेरे पैसे तभी वसूल होते हैं। बहुत मजा आया। बस आज हम कौन सा चलचित्र देखकर आ रहे हैं? वाह वाह, तालियां बजा दो सब, तालियां बजा दो। कम से कम आज इन्हें ये तो याद है कि चलचित्र यानी कि फिल्म देखकर आए हैं ये। बहुत बढ़िया। हाँ वैसे एक बात है, अगर हम लोगों के साथ मैया भी होती तो कितना अच्छा लगता ना। मैया! अरे जगदम्बे, ये आंखों में नाराजगी, चेहरे पे दोनों तरफ गुस्सा, बात क्या है? बात ये है कि घर की तिजोरी से 5 लाख रुपया गायब। 5 लाख? 5 लाख? 5 लाख? अरे 5 हुए 15 थोड़ी। क्या पूरा घर छान मारा, कहीं पैसा नहीं मिल रहा। मैं तुम सबको मौका दे रही हूँ, अपनी अंतरात्मा में झांको और जिसने भी ये काम किया है वो सामने आ जाए। हाँ जी, आप ना अपनी अंतरात्मा में झांकिए और जो भी दिखाई दे नानी जी को बता दीजिए, वरना इनके प्रकोप से ना हम फिल्म क्या अपने आप को भी नहीं देख पाएंगे और घर से बाहर जाने की तो बात ही। आप भगवान के लिए चुप हो जाइए, मेरे लिए चुप हो जाइए। ठीक है, जैसे तुम सबकी मर्जी, ऐसे नहीं तो वैसे। वैसे कैसे मैया? तुम सबको एक एक करके बांके बिहारी के सामने हाथ में गंगा जल लिए कहना पड़ेगा कि मैंने पैसे नहीं चुराए। और ये कहते कहते जिसके हाथ से गंगा जल छलक गया, हम समझ जाएंगे कि चोर वही है। हाँ सही है, इसमें क्या है। ये नानी जी, जैसी आपकी मर्जी, नानी जी की जाओ। नानी जी, सबसे पहले मैं जाऊंगा भगवान के सामने, और ये आपका जो गंगा जल का इम्तिहान है ना, मैं देता हूँ सबसे पहले। चलिए चलो, आ जाओ सब, आ जाओ यार, साथ में चलेंगे। सब जमाइयों की परीक्षा एक साथ होगी। अरे ये क्या, इम्तिहान से पहले भूकंप क्यों? इन सब के हाथ क्यों कांप रहे हैं? नानी जी कहीं ऐसा तो नहीं है इन्हीं में से कोई एक है? वो क्या है, शंख? हाँ ये। वाल्किन, ये तो पूरे 5 लाख है। ओहो, नानी जी की जय हो, नानी जी की जय हो। नानी जी, दरअसल बात ये है, घर वालों को फिल्म दिखाने के चक्कर में ये बात मेरे दिमाग से उतर ही गई। कौन सी बात? अरे नानी जी, वो क्या है ना, जब आप अपने कमरे में मुझे इस घर की जिम्मेदारी सौंप रही थी, तो आपकी तिजोरी के नीचे मुझे ये पैसे पड़े मिल गए, तो मैंने पूरे श्रद्धा और भाव के साथ ये पैसे वहाँ से उठाए और पूरे श्रद्धा भाव के साथ यहाँ भगवान के चरणों में रखे। देख लीजिए आप, उतने ही है जितने की मैंने उठाए थे। एक बात बताओ बेटा चंट, मेरा मतलब है बेटा चिंटू, ये पैसे उतने ही है? हाँ। ये जो तुम पूरे घर पर खुले हाथों से पैसा खर्च कर रहे हो, ये पैसा कहाँ से आया? हाँ। 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 तुमको कोई मनी प्लांट मिल गया है या अलादीन का चिराग? नानी जी, चिराग विराग नहीं, मनी प्लांट समझो आप तो, और मैं उस मनी प्लांट को कहता हूँ जमाइयों की गुल्लक। क्या? हमारे गुल्लक?
साड़ू भाई ये तो धोखा है, आपने हम सब के साथ ठीक नहीं किया। अरे साड़ू भाई कुछ गलत नहीं किया मैंने, अरे मैंने तो आप लोगों की मेहनत और पसीने की कमाई आप लोगों पर खर्च दी। और वैसे भी एक कहावत है जो मैंने अक्सर सुनी है, अपने अपने अलग अलग पैसे जोड़ते हैं तो घर की एकता के लिए अच्छा नहीं होता है। तो तुमने हमारे घर की एकता बरकरार रखने के लिए हम सबसे हमारे गुल्लक की एकता छीन ली। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कोई एकता नहीं छीनी नानी जी मैंने तो इन सब की गुल्लक के पैसे इन्हीं लोगों पर खर्च किए। अब बताइए कुछ गलत किया मैंने नानी जी? होशियारी हर बार काम नहीं आती है बेटा चंद, देखते हैं अगली बार कौन साबित होता है शेर पे सवा से। देखती जाओ नानी जी, ये भी साबित हो जाएगा कि हर बार होशियारी ही काम आती है। अजब गजब घर जमा।